नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। 5 साल तक होता रहा नाबालिग से रेप, शादी के बाद पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए पति ने दोषियों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में एक रिक्शा चालक की नाबालिग बेटी के साथ 5 साल तक गैंग रेप होता रहा और गरीब माँ बाप ने दबंगों के डर और समाज के भय से नहीं कराई कोई शिकायत दर्ज। शादी के बाद पति ने पत्नी की आप बीती सुनकर 7 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। वो घटनाक्रम एक दिन का नहीं है, एक स्थान का नहीं है, कई समय में कई स्थानों पे अलग अलग लोगों द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत उसने की। जहाँ तक मुझे याद है यह संख्या एक दो नहीं, 4-5 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और मुझे जो प्रथम दृष्टया उस समय प्रतीत हुआ था, उसमें ये लग रहा था कि कुछ लोग उसके पारिवारिक किसी न किसी रिश्ते में भी हैं। इसी नाते मैंने उसका तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया था और विवेचना हो रही है, उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी।